जनपद सीतापुर से 14 किलोमीटर पर स्थित जवाहरपुर चीनी मिल की स्थापना डालमिया भारत ग्रुप द्वारा जनवरी 2007 में की गई। 12 वर्षों से डालमिया चीनी मिल अपनी स्थापना के समय क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषकों व उनके परिवार की सामाजिक व आर्थिक मजबूती में अपना एक श्रेष्ठ योगदान करती आ रही है। चीनी मिल अपनी स्थापना के समय से कृषकों की बढ़ती लागत व घटते उत्पादन पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए गन्ना बुआई से लेकर गन्ना आपूर्ति तक कृषकों के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार, उत्तम व स्वस्थ गन्ना बीज उपलब्ध कराना, गन्ने की फसल को रोग व कीट से मुक्त कराने हेतु समय समय पर विभिन्न उत्तम तकनीक को अपनाया जाता है, साथ ही साथ कृषकों को उत्तम एवं नवीन तकनीकों से समय समय पर विभिन्न माध्यमों से युक्त किया जाता है, जिससे किसान अपनी उत्पादन लागत को कम करते हुए उत्पादन में एक उचित स्तर तक वृद्धि कर सके, जिससे डालमिया चीनी व कृषकों का नाम प्रदेश व देश स्तर पर रोशन हो। वर्तमान में डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर को 60,000 कृषक अपना गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। विगत वर्ष में चीनी मिल में 1,36,00,000 कुंटल की रिकॉर्ड पेराई की। चीनी मिल प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य के एवज में 60,000 कृषक परिवार को भुगतान करती है। साथ ही साथ चीनी मिल चलते समय गन्ना कटाई एवं लदाई के दौरान लगभग 12,000 मजदूरों को प्रतिदिन किसान के खेतों में काम मिलता है, जिन्हें 60,000 कुंटल गन्ना प्रतिदिन के हिसाब से गन्ना कटाई एवं लदाई के रूप में 90,00,000 से 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि क्षेत्र के मजदूरों को प्राप्त होती है। साथ ही चीनी मिल में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से 600 से 800 लोगों को कार्य मिलता है। इसके साथ ही देश व प्रदेश के आर्थिक सशक्तिकरण में चीनी मिल की अहम भूमिका रहती है, जो कि सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को 22 से 25 करोड़ रुपए चीनी, शीरा व अन्य सह उत्पादों के टैक्स के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही राज्य सरकार को भी 3 से 4 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इसके साथ प्रदेश के विकास में ऊर्जा की मांग को चीनी मिल द्वारा 27 मेगावाट बिजली प्रतिदिन का उत्पादन करके प्रदेश के ऊर्जा आवश्यकता में अपना योगदान देती है। चीनी मिल अपने कुशल नेतृत्व व सक्षम टीम के साथ एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में अच्छी गुणवत्ता के चीनी का भी उत्पादन करती है। इसके साथ ही चीनी मिल अपने निकट ग्रामों को CSR के तहत सामाजिक परिवर्तन में एक महती भूमिका निभाती है। संबंधित ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ पीने का पानी, सौर्य ऊर्जा की आवश्यकता, शौचालय का निर्माण तथा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को रोजगार देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है।
रूप में डालमिया बिजनेस इकाई जवाहरपुर के माध्यम से वसंत अभियान है नवीनतम अनेक गन्ना प्रजातियों के बारे में इस नुक्कड़ मंचन के माध्यम से जानकारी आप लोग किसान भाइयों के लिए पहुंचाई जा रही है, जिससे मुझे आशा पर विश्वास है सभी जानकारियों को प्राप्त करते हुए वसंत काली गन्ना बुआई अभियान के तहत सभी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और अधिक क्षेत्र पर गन्ना बुआई करके अपने विकास की ओर जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं सबसे पहले आदि दुकानी संचालन आदि दुकानी एन पार्टी की पुठी संचालित सूचना एवं जनसंपर्क भारत सरकार प्रेजेंट टाइम आपकी सेवा में सेवा जवाहर मोती निर्मल के माध्यम से प्रस्तुत है। एक कार्यक्रम आप सभी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। सबसे पहले चेतना की आप सभी के साथ मेरी गीत में मेरी ओर से दोहराइएगा। जब जब पास होता है टूटता है गरीबी में रिश्ता खास होता है।
गरीबी से गुजार प्रधान और रतन लाल को नौकर लाल ना कहते कुछ और कहते हैं। कारण दोनों भाइयों में एक समझ का अंतर है। एक जो छोटा भाई है टेंथ डिग्री से करे जमीन है, आखिर एक भाई का होता क्यों, हमारे घर में गरीबी क्यों, एक जवान को चेले में निकलना किसान मेट्रिक हो जाती है, अनेक मिलने वाली सुविधाओं को आपकी सूक्ति सुनती है, सीखती है, शाम को प्रचर्चा में बैठ कर अपने पति को समझाती है, लेकिन अंतोगत्व प्रणाम यही के लिए बसता नहीं था। क्यों का मेरे दो कमियां का कौन कौन, का पहली बात मैं कुछ जानता नहीं हूं और दूसरी बात कोई भी पढ़े लिखे की बात कभी मानता नहीं हूं। उस नारी का फिर तुम्हारा कल्याण हम तो हम कुमारी के कर सकता भगवान नहीं सकता, क्यों या तो आपको कुछ जानना पड़ेगा और या कुछ कहीं पर किसी की बात अच्छी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन अब दोनों की मंजिल एक विकास जुड़ रही है, एक जागरूक नारी अपने परिवार को गन्ना बोने के बारे में समझाती है, आखिर में कैसे धर्मान बनाती है, प्रस्तुत कहानी आप लिखिएगा। आपके बीच में आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ना मैं कुछ जानता हूं और ना कभी किसी की बात मानता हूं। आज देखिए आपके आने का बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रस्तुत कहानी चीज मिल द्वारा आपके बीच में धन्यवाद। हमारो नाम है भैया रत्न किसान, तेरी तरफ से रे सब किसान भाई के यहाँ राम राम। हम सगे दो भाई हैं भैया और बटवारा मैया दस दस बीघा जमीन पाए हैं। हमारो नाम है रतन लाल और हमारे छोटे भाई का नाम है चमन लाल। चमन लाल भैया जो है वो बहुत पढ़ा लिखा होशियार है, ऐसा पता नहीं कौन भैया सिखाई दी से है, ऐसा पता नहीं कौन भैया बताई दी से है। वो अपने दसों बीघा खेत मैया नई नई वैरायटी के रहा गन्ना बोई बोई गन्ना बोई बोई। वो भैया बहुत बड़ा आदमी हुई का, अरे ट्रैक्टर ले आवा ट्राली ले आवा और मोटरसाइकिल ले आवा। गांव मैया झिंगे निकल जात गाँव के लोग देखिए तो का कहिए कहिए वही जा रहे चमन लाल भैया मोटरसाइकिल पा, वही जा रहे चमन लाल भैया मोटरसाइकिल पा। अब भैया वो अर्पित गन्ना भई के बहुत बड़े आदमी हुई के ते उनका सब चमन लाल भैया कहा और नाम हमारा है भाई रतन लाल। गरीबी मैया रतन लाल कोई कहते नहीं हाय जौन कोई गांव मैया देख ले ये छोटे छोटे बाल गोपाल ये इकर देख ले कि ये एकदम चिल्लाए करिए कहिए का कहिए वो रतनवा जाए रहा वो रतनवा जाए रहा। तो भैया हम भाई बहुत गरीब हैं ना, ये सब रतनवा रतनवा कहती हैं। अगर वो दो चार बिला भैया फिर तो खाली हुई गो है वे कहीं तनु कब हम जोत खो दिया जाए। अरे सिरते उनको नाम ही है राम दुलारी। राम दुलारी कहा लगी
एक सुनो आप तुम सवेरे सवेरे कहा जा रहे हैं, हम कह घर को खेत खाली ही गए हैं, हम उसका तनखा जोतल खो के जा रहे हैं, तो कहीं आज हम चलेगा तुम्हारे साथ, हम कह तुम भाई हाँ का करियो तो है, कहीं हम तुम्हारी मदद करेगा मदद, हम कह कहा भाई मदद करियो, तो कहा लगी रात नहीं के पहले लेके आवन पानी आज उनके दो चार हाथ लगेगा जरूर ठीक है
है जो कुछ बोझना है बोझ लिए मरियो ना पानी पियो ठीक पहले लेके आवे वो पानी आए नहीं अच्छा ठीक है
काहे मटेरियल पर बात का है। बात है भैया या हां या भैया कह रहा है मीटिंग कहिया मीटिंग हां मीटिंग कह रहा है मीटिंग कह रहा भैया या का सिक्के आए हैं का सिक्के आए हो साहब भाई मीटिंग में अधिकारी साहब हां सुपरवाइजर साहब हां भैया एक एक खबरी परसो करना करो भूत बैठाते हैं तो उसे भैया मारिया कर नहीं करना रजब आया रात का है हटो भैया दादा भौजिया मीटिंग गई है हाँ हाँ कन्या के बारे में सब जानकारी सुनके आई अच्छा वहाँ खुशी मनाती रही वह कह रही खुशी मनाती रही हाँ। अच्छा तो ठीक भैया तो ठीक ठीक है देखो आगे का बताए नहीं सुनो समझाओ अच्छा भैया ठीक है ठीक कन्या दीना पहले तुम इंगे आओ हाँ
भैया। हाँ भैया। या का कहत रहा? सोने के हार। सोने कुहार। हाँ। देखो सोने कुहार। हाँ। और कन्ना। हाँ। और जहिका। अच्छा। अब है एकम या दीगा देर ना लगी है। क्या पहनो सोने कुहार पहनो? हाँ। तत्ता सोने कुहार तुम्हें लेना पड़े भौजिया तुमसे खरीदवा ली। हम कैसे ला पेगा भैया? सोने कुहार कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। इनके बताए पर चलो तो एक नाई चार हार ले लियो। एक नाई चार हार ले लियो? चार हार ले लियो भौजिया पढ़ी लिखी जागरूक है मीटिंग गई रहा। हाँ भैया पांच किताबें पढ़ी है। पांच किताबें पढ़ी है तुम? ना ये उठा टेक। हाँ। सही ले बता रहे भौजिया पढ़ी लिखी जागरूक है मीटिंग गई रहा। अच्छा। गन्ना के बारे में सब जानकारी सुन के आई। हाँ हाँ। और जब तक दद्दा इनकी बात ना बनी है। हाँ। तब तक तुम कुछ नहीं बना पाई है। और फिर भैया ये सोने कुहार कैसे रहेगा? सोने कुहार वैसे रही हो। हाँ। कोई अच्छी प्रजाति लाई के दो एकड़ गन्ना बो। अच्छा। उसका बेच के तुम एक नाई चार हार ले ली हो। एक नाई चार हार ले लेगा? दद्दा भौजिया कह रही एक हार के मकान। हाँ। अच्छा ठीक है ठीक। गन्ना में वह ताकत है जो चाहो बना सकते। जो चाहो तू बना सकते। तू बना सकते लेकिन बनाए पे हो दद्दा जब। हाँ। इनकी बात मनी है उतार। ये भैया। हाँ। जैसे राम दुलारी बात हम मानी। हाँ। और बढ़िया प्रजाति के दो एकड़ गन्ना पे। हाँ। और गन्ना बेच के एक नाई चार हार ले लेगा? दद्दा भौजिया कह रही एक हार के लाए। हाँ। तुम ये चार हार बनवा लिए साथ में पक्का मकान बनवा लिए। पक्का मकान बनवा लिए? हाँ। तो भैया हम राम दुलारी बात मनी का मनी है वो। हाँ। तो ठीक है मानो देखो आगे क्या बताए रहे सुनो समझो। अच्छा ठीक भैया इनकी बात हम मनी का मानो। अच्छा ठीक भैया। राम दुलारी। ओ राम दुलारी। अरे राम दुलारी। ओ राम दुलारी। तुम हमसे बात मांगा था बता देखा नहीं मैंने। अरे हियां आबो भाई आबो। आबो आबो आबो। हियां आबो भाई आबो। आई जाओ आई जाओ। आबो आबो। आबो आबो आबो। हियां आबो भाई। तू तो हंसी खेल में आवा जो जा तू वा। अरे तुम तो हमारी बात है का मान तो नहीं है। ना ये भाई तुम्हारी बात मानी बा। तुम्हारी बात मानी है? हां। साहब जी के सामने करे ना तुम्हारी बात मनी का बात मनी और का चलो फिर मीटिंग चलाओ। हां मीटिंग चलाओ। राम दुलारी मीटिंग मीटिंग ना आ जाएगा भाई। हां हां मीटिंग कहिया ना जाएगा तुम का बस साहब जी के सामने बात है। हम कहबे ना करो साहब जी तो चाहे पूछ ले। अरे हां झूठा हाय झूठी। हम कहू ना जाएगा तुम ना जाएगा हम ना जाएगा अगर तुम्हारा लेकर मीटिंग चलाओ। हम कहे तुम्हारा चाहे बढ़िया दिन और मीटिंग कहिया ना जाएगा हम ना जाएगा। हम कहे कि ना जाएगा हम मीटिंग कहिया ना जाएगा। हम मीटिंग कहिया ना जाएगा। हम मीटिंग कहिया ना जाएगा। हम ना जाएगा ना जाएगा। हाय राम दुलारी मजबूर ना किया करो चलो मीटिंग चलेगा। अरे भौजिया दत्ता ना आया मीटिंग का। अरे आने का भैया। हाँ। देखो सब अपन सुन रहे हैं देख रहे हैं। हाँ। अपना देखा बहुत बड़ा सो रहे हैं देखो। अरे दत्ता क्या बताए रहे सही बात। अरे दद्दा ओ दद्दा। हाँ भैया। कहाँ लेटे सोए रहे हो? हम भैया मीटिंग में यहाँ सोए रहे ना मीटिंग में। मीटिंग में? हाँ मीटिंग में सो जाते। मीटिंग में यहाँ सो जाते। ठीक कहा तो मीटिंग में सो जाते। हाँ तुम रहिए वन पर खिचड़ बने बनाए। काहे भैया? काहे इधर आओ। हम भैया मीटिंग में यहाँ सोच रहा हूँ। मीटिंग में? हाँ मीटिंग में सो जाते। और मीटिंग में यहाँ सो जाते। दद्दा मीटिंग में सो नहीं जाते। हाँ जो बातें साहे बतावे ध्यान से सुनो जाते बैठ। ए बैठ। हाँ अच्छा तो ठीक भैया तो ठीक। तो मीटिंग है पढ़ के सो रह जाए। हाँ कोई
कोई बात सुन पाए समझ पाए। हाँ भैया कोई बात ना सुन पाए ना समझ पाए। फिर भाई कातर हो जाए तो भैया का मीटिंग समाप्त ही गई का। दादा मीटिंग समाप्त हो गए साहब चले गए फैक्ट्री। मीटिंग हुई गई समाप्त और साहब चले गए फटकरी। कहाँ चले गए फटकरी? साहब चले गए फटकरी। हाँ एक कहा तो फटकरी साहब जी चले गए फटकरी। हाँ हाँ ठीक कह रहे। हाँ दादा तुम अनपढ़ आदमी फैक्ट्री कहे ना पाई हो। हाँ हाँ तुम सीधे चीनी में ये कहो। अच्छा मिल चीनी मिल चीनी मिल चीनी। हाँ तुम चीनी वाला करो खाली मिल कहो। चीनी वाला करी अलग करो खाली मिल कही कहो। मीटिंग हो गई समाप्त हो गए और साहब जी चले गए मिल कहिया चले गए। फिर भैया मैं जानकारी कहाँ ली है? जानकारी लेना है। हाँ भैया ठीक है तुमका जानकारी मिली लेकिन ध्यान से सुनियो समझियो। हाँ हाँ सोचता ही ना चाहिए ना भैया अब हम ना सुन बात कटाई तो जानकारी देने के लिए हरिराम आए रहे। ए हरिराम भैया का हरिराम भैया पढ़े लिखे हैं का? हाँ पढ़े लिखे हैं। ए भैया कब तो पढ़े हैं? अरे जो कुछ उसमें ना करो। अच्छा तो ठीक भैया तो ठीक आए रहे उनकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनो समझो। अच्छा ठीक ठीक आए रहे। अच्छा ठीक राम 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 जी नमस्ते नमस्कार गुड मॉर्निंग। इधर आओ राम राम बहुत बढ़िया। अच्छा करना चाहिए। अच्छा अच्छा क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देते हैं मुझे सम्मान मिलता है। हाँ हाँ नमस्कार उससे भी बढ़िया करना चाहिए। अच्छा अच्छा लेकिन ये गुड मोहम्मद क्या? ये गुड मोहम्मद हम कह रहे हैं राम भैया पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी भैया सलूट मार रहे हैं। अरे वारे अंग्रेज वारे अंग्रेजी वारे सब दत्ता पढ़े लिखे व्यक्ति जब जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में प्रातः काल सुबह सुबह सवेरे तो चींटी लगा करके हाथी तक भोजन लौटा करके अपना खून पसीना बहा के सब भोजन लौटा करते हैं। हाँ, ये हमारे भारतीय किसान इसीलिए बड़े गर्म जोशी के साथ आज भी नारा याद किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान और जय किसान। दत्ता के किसान है किसान जो कह जाए आपके लिए बढ़िया आपके सब ठीक है। अच्छा ठीक भैया ठीक लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। पूछो भैया पूछो। यहाँ के जो भी किसान बंधु बैठे हैं उठे हैं या खड़े हैं ये सब अपने गन्ना बुआई के विचार में लगे। अच्छा अच्छा क्योंकि फागुन का महीना लग गया है फागुन चल रहा है। हाँ। और फागुन के महीने में गन्ना बुआई करने वाली तैयारी करके गन्ना बो भी चुके हैं। अच्छा और जो पलेवा हो चुका है उनकी तैयारी में लगे हैं गन्ना बुआई चल रही है। अच्छा अच्छा ये गोल्डन चांस सुनहरा मौका हाँ। आपके हाथों से निकला जा रहा है। अच्छा यहाँ के किसान अगर लगे हैं अपने गन्ना बुआई में अच्छा ठीक आप एक ऐसे लल्लू भड़क का किसान हो यार। हाँ। अगर यहाँ के किसान सब गन्ना बुआई में लगे हैं। हाँ हाँ। और आप यानी दोनों लोग पति और पत्नी हाँ। अपने लगे हो लड़ाई में तो हमारी लिखी भैया भी ऐसे जाती भाई लड़ाई चाहे पति पत्नी में हो। अच्छा लड़ाई चाहे भाई भाई में हो। हाँ हाँ। लड़ाई चाहे गांव समाज से हो। अच्छा लड़ाई चाहे देश विदेश से। हाँ हाँ लड़ाई दर्दा जब होती है हाँ। तब उसमें कोई राज होता है राज होती कोई समस्या होती है अच्छा, कोई कारण होता है हाँ हाँ। और जब लड़ाई कोई होती है उसमें कोई राज जरूर होता है कारण होता है कोई कारण होता है। आखिर श्रीमान जी आप और आपकी लड़ाई का कारण क्या है? अच्छा बुआई का महीना निकल रहा है हाँ हाँ। भगवान ने भी पलेवा कर दिया है हाँ हाँ। और ये समय आपके हाथों से निकला जा रहा है। अच्छा अच्छा आप इनकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? अच्छा गन्ना बुआई के लिए आप सोच क्यों नहीं रहे हैं? हाँ हाँ आपको इनकी बात मानने में दिक्कत क्या है? अच्छा परेशानी क्या है? हाँ उलझन क्या है? हाँ हाँ आप हमें बताया कि क्या कारण है आपका उलझन? उलझन है भैया या भैया गई है मीटिंग नहीं मीटिंग गई थी और जब से भैया ये मीटिंग तेरे आई है तब से भैया नया सोवती है और ना हमका सोवे अगर कहूँ भैया हम धोख में सोई जाए तो ये हमें तुरंत जगाई दे भैया उठा गन्ना पाओ उठा गन्ना पाओ हम भैया पहले प्रकार का धो गन्ना बैठे जो दिन भैया गन्ना हम गए वह दिन हमारे छोटे भाई चमन लाल गन्ना
आपकी लड़ाई का मुख्यता कारण है आपने जो गन्ना बोया परसा और आपके भाई चमनलाल ने गन्ना बोया परसा, दोनों लोग एक ही मेड़ पे एक ही दिन एक प्रजाति, लेकिन उनका गन्ना बहुत बढ़िया पैदावार दिखे गया, बहुत बढ़िया, कोई बीमारी उनके गन्ने में आज तक नहीं पहुंची ना लगी। और आपने जो गन्ना बोया उसमें दत्ता जीरो दो सौ अर्थ कहीं कहीं बीमारी लग गई, मोरी सूख गई, कहीं बीमारी लग गई, हाँ बीमारी लग गई। तो आप उससे अब चिंतित होके अब सोच रहे हैं कि अब गन्ना बोने का कोई फायदा नहीं, अब हमें भैया कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात आपसे पूछे, पूछा भैया, आपके छोटे भाई ने जो रोग नहीं लगा, अच्छा गन्ना अधिक पैदावार देके गया, आज वो मालूमाल होके जो है प्रतिष्ठावान बन चुके हैं, अरे बहुत बड़ा आदमी, और तुम्हारे गन्ने में जो रोग लग गया फसा, गलती किसकी, गलती बहुत सही है दत्ता, सोचने का समय है, जागने का वक्त है, अच्छा, ये समय आपसे हाथों से निकल रहा है, इसमें ना तो गलती है चीनी मिल वालों की, अच्छा तो आपके गन्ने में रोग लग गया, ना गलती गांव वालों की है, अच्छा ना गलती श्रीमती जी की है, ना गलती हमारी है, 100% गलती आपकी है, आपकी है, आपकी है, हमारी भाई कैसे आएगा बता दे आपको, बताओ भैया, आपकी गलती यह है जो आपके अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, उन कमियों को जब तक आप समापन नहीं करेंगे आपका विकास संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे भैया कमी एक तो जरूर बनी रही, जैसे पहली एक बात भैया, हमको कैसी बात भैया जानी चाहिए, और दूसरी बात भैया, अगर पढ़े लिखे भाई लोग हमें कोई बात बतावे तो वही बात हम माने, और रामजुलारी बात भैया ना माने है ना, और ना माने है, बस बस मतलब ना इनकी बात आज तक आपने माना है और ना मानने का इरादा है। दत्ता सूर्य साहब का धर्म क्षेत्र में, अच्छा विकास क्षेत्र में, अपना जब विकास कहीं हो रहा हो तो नारी एक नारी नहीं हुआ करती, नारी एक सलाहकार मंत्री हुआ करती है, अगर उसी सलाह मेरी नारी मुझको दे रही उसकी बात मानना पड़ेगा, गाँव की बात मानना पड़ेगा, समाज की बात मानना पड़ेगा, अधिकारी की बात मानना पड़ेगा, विकास करना हो तो भैया हम इनकी बात तुम्हारी मान जाए, हम इनकी नागरिक बात कताई, इनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल ना मानेंगे, हमारी बात मानेंगे हम भैया, तुम्हारी बात मानेगा, हमारी बात आप सुनेंगे, तुम्हारी बात भैया सुनेगा, कैसे यह कान सुनेगा यह कान निकाल देगा, सही कहा, पर साल दत्ता अगर तुमने गन्ना विभाग की बात, अच्छा हमारी बात, इनकी बात, अच्छा सुन के इस कान से और इस कान निकाल न दिया होता तो आज तुम्हारा भी गन्ना तुम्हारे छोटे भाई के बराबर खराब होता, आज तुम भी पैसा वाले होते और आज तुम्हारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में शिक्षित बनते, डॉक्टर बनते, मास्टर बनते, गन्ना के बिना ना तो कुछ संभव है मकान बनाना, ना बेटी की शादी करना, ना बच्चे को डॉक्टर बनाना, क्योंकि अगर पक्की फसल है तो केवल गन्ना है, इसके अलावा पक्की फसल नहीं है, इसलिए दत्ता अब अगर हमारी बात माने, क्योंकि गन्ना बुआई का समय बिल्कुल आपके द्वारे पे खड़ा है, आपको पुकार रहा है, अच्छा अच्छा, अगर हमारी बात माने तो चीनी मिल द्वारा मिलने वाली, जवाहरपुर की ओर से मिलने वाली सारी सुविधाओं को आपके द्वारे लाऊंगा, अच्छा, अच्छा आपको बताऊंगा और समय समय जानकारी देंगे आपके रत्नू रतनलाल बनाऊंगा, भैया भैया तुम बताओ हम तुम्हारी बात पक्का है, पक्का है भैया, सुनिए बताओ भाई, इस समय हमारे जो किसान भाई गन्ना बुआई की तैयारी में लगे, अच्छा अच्छा, उनके लिए हमारा चीनी मिल जवाहरपुर, जवाहरपुर बहुत भारी बड़े बड़े अनुदान बांट रहा है, अनुदान बहुत भारी अनुदान, अनुदान भैया है, प्रथम नंबर आपको खेत को बलवान बनाने के लिए, क्योंकि
गोबरे की खाद गोबर को बहुत कम पड़ रहा है। अरे भैया गोबर खाद कहिए है का या एक दिन जाई रहा है कोई तो नहीं का बच्चा के गए उनके बात चले गए मेरे गोबर होता क्या है सही कहा। इसलिए जब तक आपके खेत में नीचे दम नहीं होगी ऊपर वाली ये खाद काम नहीं करेगी। तो भैया इसलिए आपको करता है जैविक खाद जैविक खाद जैविक खाद हमारी फैक्ट्री कोर्स है आपको मात्र 20 रुपया कुंटल दी जा रही है 20 रुपया कुंटल केवल भैया मात्र 20 रुपया कुंटल जो तैयार की गई है गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा चाहे आज लाए चाहे कल लाए चाहे परसों लाए इसके लिए अपने क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक से मधुर संबंध बनाए। अच्छा ठीक ठीक पहला नंबर मैली बनाने के लिए। अच्छा ठीक इसके अलावा तब दूसरी बात बता रहा हूँ एक हमारी योजना चलाई जा रही फैक्ट्री द्वारा ड्रिप सिंचाई सिस्टम जो भैया ड्रिप सिंचाई सिस्टम नहीं जान पाएंगे सिंचाई तो बहुत नहीं देखा होगा सही बात है। हाँ भैया इसको दत्ता शुद्ध हिंदी चाहिए टपक सिंचाई सिस्टम। अच्छा टपक सिंचाई सब सिस्टम आपके खेतों में बनवा दिया जाएगा। अच्छा और सब जो है पाइपें बिछा दी जाएंगी। अच्छा अच्छा फुहारा द्वारा टपक बूंद द्वारा सिंचाई होगी ताकि आपकी गन्ने की जो चरे है बलवान होगी। अच्छा पानी का खर्चा बहुत कम होगा और सरकार के जो मानो अनुदान दे रही है सरकार उसके अलावा जवाहरपुर चीनी मिल के माध्यम से भी 25,000 रुपए का अनुदान अलग से दिया जा रहा है। 25,000 रुपए अनुदान अलग से भारत सरकार दे रही है। अच्छा, लेकिन हमारी चीनी मिल आपसे पीछे पीछे कदम मिला के चल रही है। मिलेगी बिल्कुल निश्चित है। अच्छा ठीक है ठीक है क्योंकि दादा जल को भी बचाना है गन्ना भी उपजाना है और बच्चों का भविष्य देखते हुए एक एक बूंद पानी की कीमती है उसको इधर उधर नहीं बहाना सुविधा हो गई आपकी सुविधा भैया। दादा तीसरी बात आप सुनिएगा भैया अगर हो सके तो आप छोटे कहीं पर खेत का तालाब छोटा बना दे जल संरक्षण कर ले। अच्छा अच्छा ये भी नहीं कर सकते हैं तो जो गांव के आसपास हमारे पौराणिक ताल है पुराने समय के बहुत पुराने उनमें जल संरक्षण जरूर करें। अच्छा क्योंकि ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी है और हमको पृथ्वी की जो है आप बताए आपको सुधार क्या क्या और भैया बताओ पूरी इसके पहले हम आपको गीत सुनाएंगे। गीत थोड़ा उत्साह बने करना भैया क्योंकि तुम दुनिया के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हो। अरे पड़े रहे आप दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा अच्छा पहले तुमको गीत सुनाऊंगा उसके बाद तुमको भी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बताऊंगा बहुत बहुत छूट मिल रही है। भैया ठीक है सुनाओ सुनिए बताएंगे आगे जब दुनिया की बात न मानकर हमारी बात मानो। हम भैया कोई दुनिया की बात ना नहीं मानो हमारी हम तुम्हारी बात नहीं मानो। सुनिए आप सुनाओ कि दुनिया के हूँ धान उगावे पर तुम तो वही हो गन्ना भाई हम हो वही कहीं गन्ना क्यों कहे भैया खाली लकी के फकीर बने रहते हो। हम खाली गन्ना बैंगा और बेचबा गन्ना इसलिए बोए गन्ने का रेट एक विधायक जी को अच्छा एक बड़े गरीब आदमी को एक मिलता है उसमें कहीं पर सौतेला व्यवहार बराबर मिला चाहे आंधी आए अच्छा। चाहे तूफान आए चाहे ओला गिर जाए चाहे सूखा पड़ जाए अच्छा। फिर भी हमारे किसान को गन्ना पैसा दे के ही जाए लेकर नहीं जाता है। यह बात तो बहुत ही ठीक है कि दुनिया के उधार आवे पर तुम तो वही हो गन्ना पैसा बहा दो कोई गन्ना बहा
न खाद बीज की दुकान पर, अच्छा न कोई आस पास की बाजार पर। हाँ हाँ, जब गन्ने का बीज मिलता है तो ध्यान दे हमारी बात को, हाँ, किसान भाइयों के खेत पर। अच्छा, खेत पर, खेत पर मिलता है, खेत पर फिर भी हाँ जागरूक लोग उनको मिलेगा। अच्छा, अगर आपको गन्ना बुआई करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं गेहूँ के बाद में, हाँ, तो गन्ना विभाग से आप पूछें, अच्छा, कि साहब हमको इतना गन्ना बोना है, बीज दिला देंगे। अच्छा अच्छा, ये बैटरी बीज मिल जाएगा। हाँ, हाँ, उनके सहयोग से आपको बीज मिलेगा। अच्छा, या तो आपके पड़ोस में कोई ताता है, कोई ताऊ है, आप रिश्तेदार है, हाँ, उनको अभी से बयाना बट्टा कर दे, ये उनको 1,000 रुपया जमा है, और भैया जब हम गन्ना बोएंगे बीज दे देना। कैसे भैंस लाएगा तुम, भैंस क्या किया था भाई, तो पहले बयाना दे दिया। भैंस लाए थे बाद में, पहले बयाना, और बयाना 500 पहले दिया था कि हम किस तारीख को ले जाएं, फिर बात में लाए। इसलिए बीज को रोकने के लिए आपको बयाना बट्टा पहले कर देना है। अच्छा, और या तो स्वयं अपना बीज है उसको रोक के सुरक्षित रखना है, लेकिन लेकिन आपको बताना चाहूंगा, बीज ऐसा वैसा बीज नहीं होना चाहिए भैया, कैसा है, क्योंकि लाल सड़न बीमारी जो एक आई है 0238 में, ये बहुत लाल सड़न बीमारी, ये बीमारी जो है कैंसर भी कहा जाता है, कैंसर भी। अगर तुमने कहीं रोगी गन्ने से ला करके बीज बो दिया, अच्छा बीमारी कही है, रोगी बीज से बीज का चयन आप स्वस्थ खेत करेंगे, क्योंकि आपको रोगी बीज नहीं बोना है। अच्छा, क्योंकि लाल सड़न बीमारी से अपने कमाऊ बेटा को भी बचाना है। और बताएं, वैरायटी चाहे आपकी हो 0238, अच्छा चाहे आपकी 98014, चाहे 160, चाहे 82-72, अच्छा इन सभी को अगर बुआना है, लाल सड़न बीमारी से गन्ने को बचाना है, तो फैक्ट्री की ओर से चीनी मिल द्वारा 75% छूट पर, 75% छूट पर, श्रीमान जी आपको ये हैजा स्टाफ का पैकेट लाना है, आपको कहीं हौजिया में, अच्छा, या ड्रम में, आपको बढ़िया सा 1 एकड़ के लिए इस डिब्बे का घोल पानी में बनाना है, घोल बना पी जाना है। भैया अगर पी जाना है तब तक मर जाना, मर भाई काहे जाना है, जिंदा हो गया। अरे भैया हम 2-3 दिन घोल पिए हैं, काहे का, अरे परसों में तो भैया हमारी तबीयत खराब हो गई, हम राम दुलारी बताए, राम दुलारी तो बच गए घर, अब बना जाए जू जिला से घोल, भैया हम गुना जिला से घोल में ये तबीयत, अरे दत्ता वो घोल ये नहीं है भैया, ये कुछ पढ़ी लिखी है, ये जब आपको उल्टी पलटी हो रही तो मेडिकल स्टोर जा रही थी, मुझे रास्ते मिली थी, हाँ हाँ। और इनके हाथ में पैकेट था जिसपे लिखा था वो आर्यस और मैं जो बता रहा हूँ इसका नाम है जो कर देता है लाल सड़न बीमारी का स्टाफ। अच्छा, और इसे 75% छूट पर, और 10 से गन्ना बोने वाले किसान भाई को 100% छूट पर देता है हमारा गन्ना। इसको 75% छूट पर, अच्छा आपको गन्ना स्टाफ से लाना है, हाँ हाँ। और गन्ना दुआना है ट्रेंड से तो 100% छूट पर लाना है। अच्छा अच्छा, और कोई भी वैरायटी श्रीमान जी हो, हाँ हाँ, पूर्व वैरायटी के आपको बुआई के समय 2-2 आम के टुकड़े बनाना है, 2-2 आम के, अच्छा, और टुकड़े बनाने के बाद में इसी घोल में ड्रम में 12-15 मिनट तक डुबाना है। अच्छा, और डुबाने के बाद में निकाल के टुकड़ों को अधिक पैदावार लेने के लिए, अधिक कमाई करने के लिए, जल्दी से पैसा वाला बनने के लिए आपको टेंट मेजर विधि ही अपनाना है। हम भैया ये हो 20 हजार 2-3 बार गन्ना बैठे देख चुके हैं, हमें कोई फायदा ही नहीं है, कौन विधि से, कौन विधि तुम बताओ, मैं बता रहा हूँ ट्रेंच मेकर विधि, हम गन्ना बे रहा हूँ पैन से लेकर के, हमें कोई फायदा नहीं हो, लल्लू पटक का ये बताओ भैया, जो बता रहा हूँ कहा था तुम है हा? आप शुद्ध हिंदी में समझो, तो भैया हिंदी में शुद्ध हिंदी समझो, हाँ हिंदी में बताओ, ट्रेंच मेकर का सीधा अर्थ है नाली विधि। अच्छा, नाली विधि,
और नाली विधि से गन्ना बोने वाले किसान भाइयों के दस फायदे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा दस फायदे। कौन कौन भैया हैं? बता दे, बताओ। पहला फायदा सुनिए, बता भाई। पहला फायदा है, अगर हम सामान्य रूप से गन्ना बोते हैं, अच्छा, तो उसमें हमारा जमाव होता है 55-60% अच्छा अच्छा। और ट्रेंड द्वारा गन्ना जो होते हैं नाली विधि से, हमारे गन्ने का जमाव होता है पूरा 100%। पूरा। अच्छा। और जिसका जमाव बढ़िया होगा उसकी पैदावार बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ज्यादा। दूसरा फायदा, जो किले निकलते हैं, किले दत्ता किले जो निकलते हैं, उनकी फुटवार बढ़िया होती है। तीसरा फायदा है दत्ता, जब हम पानी लगाते हैं डीजल इंजन से, तो 100 लीटर डीजल जहाँ पे लगता होगा, अच्छा, आपका नाली विधि में लगेगा 50 लीटर, और 50 लीटर जो पैसा बचेगा उससे होली में भाभी जी साड़ी ले आएंगे। सोच है? ना सोच भैया। चौथा फायदा है, आपको गन्ना भी उपजाना है और पानी को भी बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। हाँ भैया, ट्रेंच विधि से आप जब पानी लगाते हैं, हाँ, इधर आपने पानी काटा, हाँ, देख रहा है हो जा रहा, अच्छा, जैसे इतना हमारा खेत रह गया टप से, तो सारी काटी दिया, बंद कर दिया, हल्का पानी लगा और का, और डीजल बचा, पानी पानी बचा, फायदे हो गए। पांचवा फायदा, जो किसान प्रतिदिन अपने खेत को जाता होगा, अच्छा, जो किसान अपने प्रतिदिन खेत को जाकर के घूम घूम कर प्रणाली के सहारे पूरा खेत चेक करता होगा, उसको जागरूकता रहती है हमें अब हमारे खेत में कौन सा काम होने वाला है, अच्छा, कहाँ पे रोग लगा है, कहाँ पे हमें क्या करना है। पांचवा फायदा, प्रतिदिन घूम घूम कर खेत देखने की आराम। फायदा छठा, इस समय आप ले सकते हैं आम के, आम गुठलियों के दाम, कैसे गन्ने के साथ प्याज इस समय लगाया जा रहा, गन्ने के साथ में भिंडी, और गन्ने के साथ में दाल के लिए उड़द, और गन्ने के साथ मूंग, मतलब खेत एक और फसल। सातवां फायदा दादा, जब आप गन्ने में कोरा जन डालते हैं, आपको गन्ने में घुसने की जगह नहीं रहती है, और नाली विधि में जब आप डालते हैं, तो एक एक बूंद हमारा कोरा जन का जो है वो गन्ने के मुंह में जाता है, मुंह में। मुहमा कैसे? अरे गन्ने मुंह होता है ऊपर, कहीं ऊपर नहीं होता है, अगर गन्ने मुंह ऊपर होता तो किसान भाई सब पानी ऊपर लगाते, तो हमारा तो भैया ऊपर कहीं है, गन्ने का मुंह होता है गन्ने की जड़, अच्छा, जड़, और जड़ में जब जाता मुंह में जाता है, जब दवाई मुंह में खाओगे तब तुम्हारी बीमारी भाग जाएगी, और पर तुम्हारे 5 पत्ता हम बांध देंगे ना, सिर के कर बंद हो जाएगी। अरे तो कहाँ था, इसलिए आपको आने और जाने की आराम। अच्छा ठीक। फायदा नंबर 8, जब किसान भाई बरसात में मिट्टी चढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा, जो होशियार किसान है, वास्तविक किसान है, हाँ, तो गन्ने में मिट्टी जरूर चढ़ाते हैं, क्यों? चढ़े हुए मिट्टी से हमारे 2 फायदे होते हैं, कौन कौन? पहला फायदा, गन्ना गिरता नहीं है, अच्छा, और दूसरा फायदा, जो पेड़ी होती है उसकी बहुत बढ़िया होती है, बढ़िया पैदावार होती है। अच्छा ठीक। फायदा नंबर 9, आप गन्ने में खाद डालते हैं, यूरिया खाद भैया खोद रहे, कैसे खाद ऐसे डाले बताओ, गैर चौरा है उठाए लाल बोरी भर तुरंत झोरी, अब आर पहुंच गए, फेंक दिया उनका, अब परिवर्तन लाना है, कैसे भैया? अब सोच में परिवर्तन लाना है, क्यों? अभी तक पैसा को फेंकते रहे, अब पैसे को डालना है, फेंकना नहीं, क्योंकि फेंकी वाली चीज कहाँ गई मुझे पता नहीं है, अच्छा, और डाली वाली चीज मुझे पता है, इतने जेब में 100 रुपया डाला, मुझे विश्वास है उन्होंने डाला, यह बात सही, इसलिए हमको डालना है। अच्छा, जब नाली भी गन्ना बोएंगे तो यूरिया का एक एक दाना हमारे गन्ने की जड़ पे जाएगा, अच्छा, और जब जड़ पे जाएगा पूरा नाइट्रोजन गन्ना पाएगा बर्बाद। बिल्कुल सही कहा। फायदा नंबर 10, यूरिया में नाइट्रोजन होता है 40%, वो मिलता है पैसा लगाने के बाद, 40%। अगर नाली द्वारा गन्ना हमारे किसान भाई बोल रहे हैं, नाली द्वारा, टैंक द्वारा, अच्छा, तो सूर्य भगवान की ओर से बता रहा हूँ, बिल्कुल व्यवस्था फ्री वाली, बिल्कुल फ्री, फ्री भैया, फ्री वाली बात बताओ भैया, सुनो भैया, बात सही, फिर भी फेरी हाई होता।
फ्री वाली बात सुनो। हाँ भैया बता। फ्री वाली बात बता रहा हूँ, तीन बातें फ्री में बाकी एक नहीं तीन। फ्री वाली बता। सूर्य देवता की ओर से नाइट्रोजन हमारे गन्ने को मिलता है 78% फ्री में। अच्छा अच्छा। और टेंट द्वारा गन्ना अगर आप बोएंगे तो हेक्टर स्टाफ का पैकेट आपको दिया जाएगा फ्री में। तीसरी बात। तीसरी कौन है? बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। चाहे अपने ट्रैक्टर से अपने कूड़ काटे, अच्छा नाली निकाले, हाँ हाँ, चाहे किराए से लेके आए, अच्छा देखिए मेरे वालों सुविधा किसान भाई कितने मिल रही है। कहाँ भैया है? आपको 100 रुपया प्रति बीघा टेंच वाला कूड़ निकाले का भी दिया जा रहा है। 100 रुपया बीघा गन्ना बोएंगे आप, पर्ची बेचेंगे आप, पैसा लेगा हम। दिया जा रहा है। अच्छा आप बताओ इतनी सुविधा और कहा? क्योंकि डालमिया जिले में सिंचाई नाम जो है जवाहर को है वहाँ वहाँ निवेदन है साथ साथ में कौन भैया है? आप थोड़ा गन्ना नर्सरी का भी लगाएंगे, भले एक बीघा लगाए नर्सरी। क्यों? जब हम गन्ना बोते हैं तो गन्ने से गन्ना बोते हैं, गन्ना से गन्ना। और जब आप गेहूँ बोते हो राशि लाते हो तो खाने वाला गेहूँ अलग छाटते हो, वही तो अलग भरती है, और बेचने वाला अलग भरती है, और बोने वाला बीज वाला पहले लिखते कि लाल सिंचरे ते यो बीज साठा के रो लिख देते हो, यो बोने वाला बीज लिख देते हो, लिख देते हो। लेकिन फिर दत्ता गन्ना से गन्ना क्यों बोते हो? कहा गन्ना बोने के लिए हमें एक या दो बीघा बीज ही तैयार करना चाहिए, बीज तैयार करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 50 बीघा गन्ना जो आपने बोया है वो देखभाल नहीं कर सकते हैं जो 2 बीघा कर लेंगे। आप बीज वाला 2 बीघा गन्ना अलग बोए, अच्छा बेचने वाला गन्ना अलग बोए, क्योंकि 2 बीघा गन्ना जो रखरखाव करेंगे देखभाल कर लेंगे उसमें हमारा हमेशा कंट्रोल रहेगा। ये हमारा बीज वाला गन्ना है, इसमें कोई रोग नहीं आने देंगे और गन्ना खेत में रोगी नहीं बोलेंगे। इसलिए दादा टेंट अपना है जो परिवार खुशहाली आए उसके अब कोई गन्ना और ये भगाएं गरीबी। अच्छा अच्छा। अब कोई गन्ना और ये भगाएं गरीबी, क्योंकि यार खुश होंगे हमारे बच्चे और खुश होंगी बीवी। ऐसे नहीं ऐसे वैरायटी बढ़िया 2 बीघा कहीं पर नर्सरी भी पौध लगाएंगे। अच्छा अच्छा। और हर सुविधा का लाभ उठाएंगे तब आपको पैसा मिलेगा गन्ना से। खूब खूब। और जब पैसा आपको मिलेगा तो आपका पक्का मकान बनेगा, बनी करी है, और खुशहाली आएगी, आई है खुशहाली, और तब तुम्हारी दीवानगी भी आएगी। और तब दीवाना होकर तुम कहोगे गन्ने में कितना दम। बिल्कुल। कैसे? सुनो बताओ सुनो। Oh,
साथ आज जीतू भाई एन पार्टी को इजाजत दीजिएगा। सभी को मेरी ओर से प्यार भरा प्रणाम। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, पुनः। नमस्कार। डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज यूनिट जवाहरपुर पिछले 13 वर्षों से किसानों के आर्थिक उत्थान विकास में लगातार सहयोग कर रही है। जैसा कि आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि गन्ना एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी खेती है जिसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। मतलब गन्ने को लगाएं, गन्ना काटें, फैक्ट्री को सप्लाई दें और उसका उचित दाम लें, जिसको हम नगदी फसल के रूप में जानते हैं। एक गन्ना ही ऐसी फसल है जिसको हम नगदी फसल के रूप में कह सकते हैं कि इससे कटने के बाद तुरंत हमें पैसा मिलता है। आज के समय अगर ये बात देखी जाए, आप हम सबको पता है कि लगातार गन्ने की लागत बढ़ती जा रही है। उस लागत को कम कैसे किया जाए, इसमें चीनी मिल का पूरा योगदान, पूरा सहयोग तत्पर आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसान चीनी मिल से अलग नहीं है, चीनी मिल किसान से अलग नहीं है। हम दोनों उसी तरह गाड़ी के वो पहिए हैं कि एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। इसलिए हमारा आपका साथ हमेशा रहेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को क्या सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि किसानों की आर्थिक परिस्थिति काफ़ी अच्छी हो और अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें अदर फसलों के कंपेयर के मुताबिक। गन्ने की लागत को चिंता जितनी आपको उससे ज़्यादा हमको है कि इसकी लागत कैसे कम की जाए। लागत कम करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आपको चीनी मिल के साथ मिल के केवल चीज़ों को समझना है और उन चीज़ों को अपने घर में जाके अपने खेती में इम्प्लीमेंट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गन्ने की अच्छी प्रजाति को लगाएं, गन्ने में हम प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट करें, गन्ने में बराबर हम हर महीने में 30 दिन में जब भी हमको टाइम मिलता है गन्ने को देखें, गन्ना हमारा गिरा तो नहीं है, गन्ना हमारा प्रॉपर बधा है, उसके अंदर हमने प्रॉपर फर्टिलाइज़र जो हमको देनी है, जो कि हम दे रहे हैं गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए, कंपनी से सब्सिडी पे बायो कंपोस्ट दी जा रही है, हेक्सा स्टॉप दिया जा रहा है सीड ट्रीटमेंट के लिए, सारी चीज़ें सारी सुविधाएं हम किसानों को पूरी तरह से दे रहे हैं, जिससे कि किसान की जो आर्थिक परिस्थिति है वो आगे आने वाले समय में गन्ने की उपज बढ़ने से काफ़ी मजबूत हो जाए। पिछले 4-5 सालों में हम देखें पर हेक्टेयर जो आप लोगों को 25-30 क्विंटल की ईल्ड मिलती थी, आज हम वहाँ पे लगभग 60-70 क्विंटल के आसपास पहुँच गए हैं। और अगर हम बात करें कर्नाटक महाराष्ट्र की, वहीं पे ये जो उपज है लगभग 90-100 के बीच में है। मेरा कहने का मतलब है हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि जिससे हम अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश की गन्ने की उपज को और बढ़ा सकें। और ये संभव जो हमारी अर्ली वैरायटी है, जिसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपके पास जाता है, आपको समझाता है, सारी सुविधाओं के बारे में आपको अवगत कराता है कि गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए, गन्ने को बीमारी से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप केवल उनकी बात सुने, कंधे में कंधा मिला के उनका सहयोग दें, आपको ये रिजल्ट सामने आएगा। पीछे देखा जाए तो आपके सहयोग से ही आज जो उत्तर प्रदेश में हम देखें तो गन्ने की उपज और गन्ने की जो रिकवरी है, हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये केवल आपका ही योगदान है, आपकी मेहनत है, बहुत आपने मेहनत किया है, फैक्ट्री के साथ मिलकर के कंधे में कंधा आपने चीज़ों को मानी है, चीज़ों को समझी है, जिसकी वजह से
आज इस ऊंचाई पर हम पहुंच पाए हैं। तरह तरह के फैक्ट्री द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिसके बारे में आपको विभिन्न एडवर्टीजमेंट पत्रों के माध्यम से बताया जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें, गन्ने में कौन सा सीड ट्रीटमेंट करें, गन्ने की यील्ड को हम कैसे बढ़ाएं, गन्ना हम कब बोएं, गन्ने का उचित समय क्या है, गन्ने में हमें पानी कब देना है। हमारा स्टाफ 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर है और हमारी पूरी कोशिश लगातार यही रहेगी कि गन्ना एक ऐसी नकदी फसल है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। अन्य फसलें भी हैं, अन्य फसलों में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं है। आज तक गन्ने के रेट ऊपर ही बढ़े हैं, गन्ने के रेट कभी आज तक कम नहीं हुए हैं। ये ज़रूरी है कि गन्ने की उपज के साथ साथ गन्ने की रिकवरी भी बढ़ाई जाए, जिससे फैक्ट्री के अंदर अच्छी परत आने पे फैक्ट्री का भी नुकसान ना हो एंड गन्ने की प्रॉफिट के हिसाब से आपको गन्ने का उचित दाम हर फैक्ट्री वाला दे सके, जिससे लगातार आपका आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास आपका होगा, फैक्ट्री का होगा, तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा। तो हम सब अपने राष्ट्रहित में अपने राष्ट्र के विकास के लिए सब लोग एक साथ मिल करके आज ये वचन लें कि हम जो आपके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़ यूनिट इकाई जवाहरपुर की इतनी अच्छी फैक्ट्री लगी है, जहां पर शुगर फैक्ट्री, को जनरेशन, डिस्टिलरी तीनों इकाइयां हैं, उन तीनों इकाइयों से जो भी हमारे बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें हमारी जो फर्टिलाइज़र बनती है आपको सब्सिडी के रूप में दी जाती है कि इसकी उपज बढ़ाएँ। समय समय आपको दवाएँ दी जाती हैं, दवाओं में भी काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। हमारा जो गन्ने का फील्ड का स्टाफ है हर समय आपके साथ लगा रहता है, आपको सही जानकारी देना किस सीड को किस समय लगाना है, कौन सी वैरायटी कब आ गई है, तरह तरह की चीज़ों से आपको अवगत कराता है। तो इन सब का आप कंधे से कंधा मिला के इसी तरह लाभ लेते रहिए। आप गन्ना जो नकदी क्रॉप है इसको आप बोते रहिए और आपकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो। आपके आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका अपना खुद का अपने घर का विकास होगा और आपके साथ साथ चीनी मिल का भी विकास होगा, जिससे कि लोकल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो साल होगी, चीनी मिल का फ़ायदा होगा तो अदर कामों में अलग अदर डेवलपमेंट कामों में जो भी कार्य हो सकेगा चीनी मिल उसमें लोकल विकास के लिए सहयोग करेगी। और ये एक टीम वर्क है, चाहे हम किसान की बात करें, चीनी मिल की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, ये एक साझा टीम वर्क है और टीम वर्क की वजह से चार सालों से आज हम देखें तो किस ऊंचाई तक आ चुके हैं और इस ऊंचाई को आगे और बढ़ाने के लिए, स्थिति को और मजबूत करने के लिए अब वो समय आ गया है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई, ड्रिप इरीगेशन, समय समय पर उचित दवाएं एंड हमारी जो बायो फर्टिलिटी है उसका उपयोग करके गन्ने की उपज को बढ़ाया जाए। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए, आप सब लोग समझदार हैं, मैं अपने बात को यहीं पे विराम दूंगा एंड आपसे निवेदन है कि चीनी मिल के साथ जैसे आप लोग पिछले 13 साल से कंधे में कंधा मिला करके आप लोगों ने काम किया है और आज क्रशिंग में बात करें, टोटल गन्ने की बात करें, रिकवरी की बात करें तो आप नंबर 1 पे हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी जवाहरपुर यूनिट टॉप पे है और आने वाले समय में हम इसको वर्ल्ड में नंबर 1 ले जाना चाहते हैं आपके सहयोग द्वारा। धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान। प्रिय किसान भाइयों नमस्कार, मैं जवाहरपुर चीनी मिल डालमिया शुगर मिल की तरफ से आप सबकी को गन्ना बेचने से संबंधित कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे प्रथम आपको गन्ना बुआई के बाद मई माह में गन्ने का सर्वे का कार्य प्रारंभ शुरू हो जाता है, जून में समाप्त हो जाता है और उसके बाद आप लोगों को प्रथम सर्वे का प्रदर्शन कार्य जुलाई में प्रारंभ हो जाता है और लास्ट में आपको फाइनल कैलेंडर दे के आप लोगों को अपने गन्ना संबंधी सभी सूचनाओं के संबंध में जो भी
दिक्कतें होती हैं उसका निस्तारण करने के लिए आपको लास्ट मौका मिलता है। उसके बाद सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि गन्ना बेचने के लिए आप सर्वप्रथम समिति के द्वारा दी गई समिति पर्ची या मैसेज मिलने पर ही गन्ने की कटाई करें। गन्ना जड़ पत्ती अगोला रहित साफ और ताजा होना चाहिए। गन्ने का बंडल सूखी पत्ती से बांधें। गन्ने के भराई करते समय टाली में बांस या बल्ली का प्रयोग न करके गन्ने की बंडल का प्रयोग करें। जैसी पर्ची हो उसी तरह का गन्ने के सप्लाई करें। आपके जो पर्ची गन्ना क्रय केंद्र पे जारी की गई है वो गन्ना क्रय केंद्र पर डालें। जो पर्ची गेट के लिए जारी की गई है वो गेट पे सप्लाई करें। पर्ची की वैधता 4 दिन की होती है, उस 4 दिन के अंदर ही अपने गन्ने की पर्ची पे गन्ना सप्लाई कर दें। मिल यार्ड में आप ट्राली के नीचे न सोएं। जिस क्रम में आपको टोकन मिला हुआ उस क्रम के तहत जाके अपने गन्ने की तौल करावें। गन्ना तौल कराने के बाद आप ट्राली में रस्सा से बंधे गन्ने के यार्ड के अंदर न खोलें। ग्रेन कैरियर पर ही जाके रस्सा छोड़ें और सम्मान के साथ गन्ना तुलवा कर चीनी मिल को और समाज को यहाँ रोक देना। थोड़ा कैरियर पर खोलें और सम्मान के साथ गन्ना तुलवा कर अपना और चीनी मिल का सम्मान बढ़ावें, जिससे आपके क्षेत्र का और किसान भाइयों का इसमें बहुत सहयोग होगा और चीनी मिल आपका सदैव ऋणी रहेगी और देश के विकास में आपका सहयोग होगा। धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बसंतकालीन गन्ना बुआई का समय समय चल रहा है, मैं चीनी मिल द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहूँगा। इस समय चीनी मिल कुछ प्रजातियों पर जैसे कि कोसा 8272, को 160, 98014 और को 118 पर जिन किसान भाइयों के पास खुद का गन्ना बीज है और किसी अन्य किसान को अगर वो देते हैं तो गन्ना बीज मूल्य के अलावा चीनी मिल 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त उनको देगी। ये बीज सिर्फ चीनी मिल के माध्यम से वितरित होगा तभी यह आपको अनुदान प्राप्त होगा। दूसरा, बीज शोधन हेतु लाल सड़न रोग अन्य रोगों के लिए एक दवा हेक्जा स्टाफ आई हुई है जो चीनी मिल से उपलब्ध कराई जा रही है। यह दवा किसानों को 75% अनुदान पे उपलब्ध कराई जा रही है। गन्ना बुआई से पूर्व इस दवा से शोधन आपको अवश्य कराना है। इसके अलावा अगर कहीं से आप उन्नत प्रजाति का बीज ले आते हैं तो कटाई और यातायात में जो भी अनुदान दिया जाएगा वो चीनी मिल से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों, चीनी मिल से गन्ना बुआई से पूर्व क्रिसमट उपलब्ध कराई जा रही है वो मात्र 20 रुपये कुंटल आपको दी जा रही है। अपने खेतों में इसका उपयोग अवश्य करें। साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा ट्रेंच विधि से बुआई, क्योंकि हमारा उत्पादन कम हो रहा है, लागत ज़्यादा आ रही है, इससे चीनी मिल ट्रेंच बुआई को ज़्यादा बढ़ावा देने हेतु जो भी किसान भाई स्वयं के साधन से या किराए के साधन से ट्रेंच की नाली बनवाएंगे उन्हें 100 रुपये प्रति बीघा यानी 1250 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। साथ ही साथ चीनी मिल जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए, भूमि की शक्ति को बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम चला रही है, जिसमें एक वर्मी कंपोस्ट का भी कार्यक्रम चलाया गया है जो किसान भाई केचुए द्वारा खाद को निर्मित करना चाहते हैं वह स्वयं का गड्ढा बनाएंगे, गोबर भरेंगे और
चीनी मिल द्वारा एक गड्ढे के लिए 4 किलो प्रति गड्ढे के हिसाब से केचुए उपलब्ध कराए जाएंगे। हमें आशा है किसान भाई चीनी मिल द्वारा दी गई उस सुविधाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे तथा गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे।